आज हम समझेंगे क्लेम्स का गेम क्या होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा और लिखते चलिएगा मेरे साथ, बहुत जरूरी है कि आप मेरे साथ लिखते चलें। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ क्लेम्स। तो प्री का गेम अगर हम समझ लें, माइंडसेट का एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है वो अंडरस्टैंड करने के अगली क्लास में देखेंगे, पर अभी प्री का गेम समझ लेते हैं। और ये समझिए, पी इज इक्वल टू पी, क्लेम्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बन पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस किस बात की करें, प्रैक्टिस राइट माइंडसेट की करना है सर। एग्जामिनर जब आपका गेस वर्क होता है ना कि मुझे ये लग रहा है, मेरा सिक्स सेंस ये बोल रहा है, वो सिक्स सेंस कुछ और नहीं आपके द्वारा बनाया गया हुआ माइंडसेट है। अगर वो माइंडसेट आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो इस एग्जाम में एग्जाम में माइंड यू नो एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ पाएंगे। अगर वो आप समझ पाए तो बेहतर काम कर पाएंगे। सो पी इज इक्वल टू पी, क्लेम्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस ऑफ राइट माइंडसेट। पर इस राइट माइंडसेट में ढूंढे क्या, तैयारी कैसे करें? सो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ फैक्ट्स। बहुत चीजें रखनी पड़ेंगी आपको, बहुत चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, और मेमोराइजेशन की टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पार्ट्स याद करवाए, जैसे मैंने आपको आर्टिकल्स याद करवाए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैंने आपको कहा था 51 ए आर्टिकल तक पढ़कर आना, आई होप कि आप सब पढ़कर आए हो। यस, तो वो चीज याद कैसे हुई आपको? तो जब मैंने आपको बी आर अम्बेडकर का एग्जांपल दिया और मैंने उनसे बोला और आपको समझाया कि उन्होंने क्या सोच कर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, उस हिसाब से फिर आपने पार्ट्स याद किए, कहां से आर्टिकल कहां तक थे, उन चीजों को आपने पढ़ने की कोशिश की और वो दिमाग में बैठ गया आपके। इट्स इजी टू मेमोराइज देम, तो आर्टिकल्स भी याद होने लगे आपको। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सिर्फ आप ये सोचें कि कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे और कुछ रटेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। फैक्ट्स का गेम है सर। कुछ वेल नोन फैक्ट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, फिस्कल डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, ये रेशियोस क्या है, जीडीपी का साइज क्या है, ये सवाल आपको, ये फैक्ट्स आपको हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने में, और मेंस में हेल्प करेंगे आपको मार्क्स पिच करने में। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। सो क्लेम्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑफ फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसकी प्रैक्टिस करें? मेमोरी प्लस टेक्निक। तो आपको मेमोराइजेशन करना है, रिकॉल पावर डेवलप करनी है, टेक्निक सही होनी चाहिए, द वे यू स्टडी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पहली चीज है फैक्ट, साथ में लिखते रहेगा मेरी यू नो छोटी सी कॉपी बना लीजिए जहां पर आप ये सब चीजें लिखते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखाऊंगा पर मैं समझाने की बहुत कोशिश करूंगा आपको ना। सेकंड इज प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट। ये गेम अंडरस्टैंडिंग का है। जितना ज्यादा आप समझ लेंगे कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, जैसे कि आप समझ लेंगे फॉरेस्ट के बारे में, जैसे आप सॉइल एंड फॉरेस्ट का रिश्ता समझ लेंगे कि सॉइल डिटरमाइन नहीं करती कि फॉरेस्ट कैसा होगा, लेकिन फॉरेस्ट डिटरमाइन करता है कि सॉइल कैसी होगी। जब ये लॉजिक्स आप समझ जाएंगे तो लॉजिक के हिसाब से प्रीवियस क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। यूपीएससी जो प्री में पूछेगा वो उन कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट अगर वो सीख गए आप तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी डिफिकल्टी नहीं होगी, पर वो उस कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसको अपने डीप इनसाइड बिठाना पड़ेगा, उसको रोज पॉलिश करना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट चमक लाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हमेशा पूछता है, लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमेशा पूछता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमेशा पूछता है। सो दे आर आस्किंग दैट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, उन कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे, तभी वो चमक आएगी। तो क्लेम्स इज अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट। तो बहुत ढेर सारे सवाल कॉन्सेप्ट पर एकदम डिपेंड होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तुरंत सवाल आपसे हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो क्लेम्स इज अ गेम ऑफ फैक्ट्स, सेकंड इज कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन प्योर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी चीजों की, तब बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड। और बाप रे बाप, इतने भारी वर्ड्स मुझे तो नहीं आते हैं, आई होप कि आपको आते हैं, पर सर एलिमिनेशन हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड। आपको अपना ये ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं अगले लेक्चर में आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझाऊंगा तो आपको एलिमिनेशन का कोर समझ में आएगा कि यार ये एलिमिनेशन होगा ही क्यों एग्जामिनेशन में, ये जरूर होगा, इसको हटाया नहीं जा सकता, ये इंपॉसिबल है कि इसको हटाया जा सके। मीन्स एलिमिनेशन होगा ही होगा, एंड आपको स्मार्ट अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप बेकार से बेकार जो ऑप्शन है उनको आइडेंटिफाई करके हटा दो। आपको लगेगा ना कि आपको बहुत चीजें पता है, फिर लगेगा बहुत चीजें नहीं पता, कुछ सवालों में लगेगा आता है, कुछ सवालों में लगे नहीं आता। जिन सवालों में आपको कुछ भी नहीं आता ना वो सवाल भी आप कर लोगे, पर ये शर्त है मेरी आपको पूरे इस यू नो कोर्स के यू नो ड्यूरेशन में बड़ा अटेंटिव रहकर सुनना पड़ेगा, चीजों को बहुत ढंग से सुनना पड़ेगा, दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। दिमाग के बाद कॉपी में रखना, किताब में रखना काम नहीं करेगा। ये प्रैक्टिस का गेम है। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन के ही थ्रू बहुत ढेर सारी टेक्निक्स सिखाने वाला हूं। मैं बहुत ढेर सारे आपको ब्रह्मास्त्र यूज करके दिखाऊंगा, वो ब्रह्मास्त्र आपको एलिमिनेशन करने में बड़ा मदद करेंगे। 50-50 मिनट जाते हो ना, फिर अटकना नहीं पड़ेगा, फिर आपके काम बड़े आराम से होंगे। लेकिन उनको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एलिमिनेशन किस कोर प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगी बात। तो क्लेम्स इज अ गेम ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन टेक्निक एंड प्योरली ऑन कॉमन सेंस। जब हम बड़ी दुविधा में होते हैं ना सर, सबसे पहला हमारा जो बंद करता है काम करना वो है ये कॉमन सेंस। लेकिन अगर ये कॉमन सेंस जिंदा है ना तो आप जो है ना, आप सवाल पढ़कर आप सही डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगे, आंसर तक पहुंचोगे। ये नहीं करा, कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो पहले आपका सेंस जो है वो कॉन्शियस हो उस चीज के लिए, सेंस सही काम करेगा तब सही ऑप्शन पहुंचोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये ना, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एनीमोर, प्रॉब्लम यहीं पर यू नो अटक जाती है। तो ये दिक्कत हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एनी मोर। यस, तो कॉमन सेंस यूज करना है। लेकिन सर कॉमन सेंस ना यूज नहीं हो पाता, मेरी बात ध्यान सुनो, सुनो मैं समझ गया यार सब, जिनका फाइनल चला इंटरनेट चेक करें प्लीज। आप कॉमन सेंस आपका वर्क क्यों नहीं करता? सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूं, आज पहली क्लास है, आप किससे आपको जीतना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? इससे, किससे? फियर से। ये जो कॉमन सेंस नहीं चलता ना, ये इस डर की वजह से नहीं चलता। किसका डर? रिजल्ट का डर, कि इस बार का एग्जाम हमारी 2023 का एग्जाम हमारी इतना टफ आ गया, इतना क्या करेंगे, डर गए लोग। उस जंग में लड़ने से पहले ही हार मान चुके थे वो, तो जीत नहीं सकते थे वो। लेकिन जिन्होंने ना उस समय स्माइल किया ना, मैंने पिछले वाले कोर्स में आपको जब पिछले साल करवा था तो मैंने बताया था कि कुछ भी हो जाए आपको सिर्फ एक काम करना है, पेपर सबके लिए वैसा आएगा ना, शॉक फैक्टर आएंगे ही ना आएंगे। तो अगर वो आ रहे हैं जस्ट यू नीड टू स्माइल कि वाह क्या पेपर बनाया, मस्त मजा आ गया, मेरे को नहीं आता, किसी को नहीं आता, लेकिन अब मैं अप्लाई करूंगा कॉमन सेंस। कुछ लोग डर के बैक से मिले, धक 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 धक, उनकी हार्ट बीट ऐसे चलेगी कि शताब्दी राजधानी वंदे भारत चल रही है। वो डर का जो खेल है ना, अगर डर से जीत गए ना, मैं तुम्हारे अंदर सिर्फ एक चीज, एक वेपन दूंगा पूरे कोर्स के दौरान। आई वांट यू टू टेक दैट वेपन, एंड दैट वेपन इज सर कॉन्फिडेंस। ये वेपन कॉन्फिडेंस का है। अगर ये वेपन आपने सीख लिया, आप डर से जीत गए, ये बहुत बेहतरीन काम करेगा। और ये काम करने लगा ना तो समझो खेल खत्म है, प्री आपको रोक नहीं सकता, प्री निकालने से कोई भी। तो ये गेम आपको खेलना पड़ेगा, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन टेक्निक, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कॉमन सेंस। कॉमन सेंस काम करेगा तो ही एलिमिनेशन करोगे ना, बस ये काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं लगा पाओगे। इसलिए ये चौथा पिलर नहीं है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। फैक्ट, कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन सब लगाने के लिए ये तो चाहिए चाहिए ना, कॉमन सेंस। आप जिंदा सेंस तो काम कर रहा है आपका। सो प्रीलिम्स का पूरा गेम जो डिपेंड है इन चार चीजों के प्रैक्टिस पर डिपेंड है।